नहीं बेटे उसमें जेलेटिन है और पोर्क जेलेटिन है। बोलती है एनर्जी ड्रिंक इतनी अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। B12 B6 है यार इसमें, मतलब नहीं होती वैसे ऑनेस्टली सेहत के लिए अच्छी होती नहीं है। 13 बच्चे वो केव के अंदर ट्रैप हो गए थे और ऊपर से फ्लड आ गया था और वो रियल स्टोरी उनको रेस्क्यू करने की। पेंटिंग मुझे आज तक समझ नहीं आई अफान यार, मतलब क्या वो कीड़ा उसके अंदर जा रहा है वो डाल रहे हैं और मतलब क्या। शिपिंग में नहीं डाला अभी तक, वेट है और वो होपफुली 10 से 18 के बीच में आना है, तो पता नहीं अब हमारे जाने से पहले आएगा जाने के बाद आएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हम निकल रहे हैं, मैं और अफान जा रहे हैं जाके नाश्ता वाश्ता पिक करने के लिए, क्योंकि बस ऐसे ही जाना है भाई, मिल कर रहे हैं, मौसम अच्छा है यार। ब्रेकफास्ट वगैरह तो पिक कर लिया है, अफान ने बोला कि यार अबीरा के लिए अभी चीज़ें क्यों लेके जानी, अभी तो चॉकलेट दी है उसको। मैंने बोला घर में एंटर होने का टिकट है, अगर कुछ लेके नहीं जाएंगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। यार ये ले लेते हैं तो बिया के ब्रेकफास्ट में माल्टीजर एग और ब्रेड, ये किस तरह का ब्रेकफास्ट है, साथ में मेरी चाय, वो चाय में फिर वो आइसबर्ग आइसबर्ग से ज़्यादा है। रात को अफान और मैंने वो मूवी देखी आर्टिक यार, कुल मूवी में कोई 15 डायलॉग थे और पहले सीन से लेके 2-2.5 घंटे के बाद आखिरी सीन तक वहीं तो मूवी एंड होगी, सही थी। और एंड जो हुआ है ना, मतलब उससे अच्छा था एंड ना ही होता। अब नहीं हम जा रहे कहीं पे। आज मैं करेले की ना बना रही हूँ, करेले फ्राई हो रहे हैं और वो हमारे एडिटिंग कर रहे हैं। अच्छा वो तो याद आ गया एडिटिंग यार बुबू पर्ची समेट दी। यार आरिफ बहुत खतरनाक हो गया, अभी एक मिनट उधर जाओ एक मिनट इधर आओ, ये देखो यहाँ पे ये सब कुछ, अभी मैं आया यहाँ पे इधर था अफान के शूज इधर उधर साइकिल उधर पड़ी है और अभी शुक्र है वो फूल तोड़े नहीं है, नहीं तो सब कुछ नीचे पड़ा हुआ था। इसका कुछ करना पड़ेगा। बिया दरवाजा बंद कर दिया, बस ठीक है। बिया हमारे साथ क्राइम में पार्टनर है, बूबू पीने नहीं देती है रेडबुल तो बस छुप के पी रहे हैं, बूबू उधर है आरिश के साथ और हम लोग इधर रेडबुल एंजॉय कर रहे हैं। बोलती है एनर्जी ड्रिंक इतनी अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। B12 B6 है यार इसमें, मतलब नहीं होती वैसे ऑनेस्टली सेहत के लिए अच्छी होती नहीं है, लेकिन यार सही है कभी कभी चलती है। यार तो आए थे इधर हल्दी कुछ गाजर वगैरह लेने के लिए, क्योंकि वो मामा को जूस बना के देना होता है उस वो सब के लिए। और अबीरा और अफान पता नहीं किधर चले गए, नज़र नहीं आ रहे वो हैं। बिया घूम रही हो, यूरो शॉपिंग? हाँ यूरो शॉपिंग। यार क्या कमाल कमाल फ्लेवर के नट्स आए हैं यार, हिकरी स्मोक्ड और ये देखो यार ये वाला चिली एंड गार्लिक और रोजमेरी लेमन ब्लैक पेपर, यार ज़बरदस्त। और ये चेक करो बफेलो विंग पीनट्स और सावर क्रीम एंड अनियन और हैलापीनो पीनट्स, मतलब इतना सब कुछ इतनी सब वैरायटी, डाइट करने के लिए आसान हो जाएगा यार ये तो। हाँ वेट है इसमें जेलेटिन चेक कर लो आप, नहीं वेट है इसमें जेलेटिन है और पोर्क जेलेटिन है, वो देखो ये देखो लिखा हुआ है पोर्क जेलेटिन, ये नहीं ले सकते बेटा, कहाँ से लिए ये नहीं ले सकते। कुछ और चेक कर लो इसमें वाटर मेलन पोटैटो सॉस, ये लो ले लो, इससे पता क्या होगा इसके अभी आपकी जो टांग है ना वो ब्लू हो जाएगी। हाँ चलो रख दो पान चाचू की बास्केट में रख देगा। यार अब यहाँ पे हल्दी आए थे और साथ में ये साथ वाले शॉपिंग मॉल में ये है जो भी है ये बच्चों की राइड, और बीरा ने ज़िद की हुई थी कि यार मुझे इसके अंदर जाना है, वो तो ठीक है लेकिन यार इस पेंटिंग में मुझे आज तक समझ नहीं आई अफान यार, मतलब क्या वो कीड़ा उसके अंदर जा रहा है वो डाल रहे हैं और मतलब क्या सीन क्या है ये। यार अगर किसी और को पता है तो मुझे बताओ यार, मुझे टोटली आइडिया नहीं है कि ये मतलब चीज़ क्या है, तो मतलब मुझे तो देखिए अजीब सा लगता है कीड़े को डाल रहे हैं पका रहे हैं, मतलब क्या सीन है, कहना क्या चाहते हो भाई। यार नहीं क्या सोचो मैजिशियंस और विचेस का सीन है कोई, चलो फिर खैर है। अच्छा भैया ओके बाय हम जा रहे हैं, बाय आजा बेटे लेट हो गए जाना है, मामा वेट करी। चलो यार ये वाली वैन लेने का बड़ा दिल करता है यार, इसमें ले के बंदा इसी में रहे कुछ दिन सीरियसली यार, मतलब मज़ेदार वाला सीन है,
कभी तो करेंगे। ब्रश करके वो पेंट वाली जेली है, टेस्ट तो अच्छा नहीं है। राजो बिस्मिल्लाह करो, वैसे मैंने बिस्मिल्लाह कर दी, हमने कर दी क्योंकि वेट नहीं हो रहा था करेले की खुशबू, और वो करेले और कीमा मतलब ज़बरदस्त सीन चल रहा है। आजो ले लें, पहले आप, पहले आप आजो। यार मामा बुबू भी है और आरिश तो सो गए, मैं और अफान मूवी देख रहे थे, ये वाली यार, ये 13 लाइफ्स मतलब क्या कमाल मूवी है यार। अगर कोई भी मूवी रियल इंसिडेंट पे बनी हो ना यार, तो उसका देखने का अपना ही मज़ा आता है। ये वाली बनी हुई थाईलैंड वाले इंसिडेंट पे, जब 13 बच्चे वो केव के अंदर ट्रैप हो गए थे और ऊपर से फ्लड आ गया था और वो रियल स्टोरी थी उनको रेस्क्यू करने की। यार मतलब ग्रिपिंग मूवी थी, स्लो पेस थी थोड़ी, लेकिन यार मज़ेदार सीन था। मतलब अभी 2:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी तक ये मूवी देख रहे थे। कल क्या करते हैं कि यार आज के ब्लॉग को ही पेंट करते हैं, जितना भी था वो इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं आपसे एक नए दिन नए ब्लॉग के साथ। कल कुछ आने वाला है बड़ा मज़े का है, जो भी सीन है तो वो कल ही आपको पता चलेगा कल वाले ब्लॉग में। तो फिलहाल इस ब्लॉग को ही पेंट करते हैं क्योंकि अबीरा तो है नहीं, तो मैं और अफानी करते हैं। तो एज़ ऑलवेज तब तक के लिए, जब तक के लिए, अगले ब्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं। बाय द वे अफान जा रहा है कहीं पे थोड़ी सी छोटी सी हॉलीडे पे, थोड़ा सा दूर यहाँ से, तो काफ़ी लॉग तक वैसे भी नज़र नहीं आता, गोलियाँ कराते रहते, लेकिन अब ग्रांटेड काफ़ी देर तक नज़र नहीं आने वाला है। बट क्या पता हम चले जाएं उसके पास मिलने के लिए, बट यू नेवर नो, उसके लिए तो आपको लॉग्स देखते रहना पड़ेगा। फिलहाल बस मिलते हैं।